कबीर काणी राखी नहीं वरण आश्रम सठ दर्शन। इस दुनिया में एक कबीर साहब भी ऐसे हुए, किसी की काण नहीं माने, किसी की शंका नहीं माने, किसी का भय नहीं माना उन्होंने, ऐसे अनन्य पुरुष हुए। और कोई ऐसा अनन्य पुरुष साहित्य इस पृथ्वी पर हुआ? उन्होंने जो कुछ भी कहा, सामने कहा और सुधार की भावना लेकर के कहा। इसलिए साहब के बारे में कहते हैं, पाखंड खंडो कबीरम सत्य वक्ता। यानी एक वक्ता सत्य बोलता है तो वक्तव्य हितकारी होता है। साहब ने क्या कहा? उग्र साहब उग्रदास जी ने क्या कहा कबीर साहब के बारे में? एक कबीर साहब ऐसे हुए जिन्होंने राजा महाराजा बादशाह सेठ सौकार किसी की भी कान नहीं माना, जो बात कही वो सच्ची कही। तो सजनों, साहब ने क्या बातें कह दी? आठवें अध्याय सुनाकर साहेब ने क्या बोल दिया? कहें कबीर सुनो धर्मदासा, बहुविधि कृष्ण जो करिया तमाशा। कर्म धर्म के जग समझावे, अलक पुरुष कैसे लग पावे। कि जो कृष्ण जी ने आठवें अध्याय में जो दर्शाया वो कर्म धर्म दर्शाया, मुक्ति का अखंड मोक्ष का कोई मार्ग नहीं बताया। अर्जुन को कर्म धर्म बताया था, अच्छे कर्म करो, धर्म करो, मुझे मानो, मैं तुम्हें सुखी करूंगा। ये मार्ग आठवें अध्याय में बताया और अपने आप को पवन और अग्नि का स्वरूप बताया, यही आठवें अध्याय में बात बताई। तो साहब कहते हैं अलक पुरुष कैसे लग पावे। अरे जब आप कर्म धर्म की बातें करते हो तो आपको आत्मज्ञान कैसे होगा? आत्मज्ञान तो सार शब्द रटने से होता है, सार शब्द की विधि लेने से, भजन करने से आत्मा का बोध होता है। और सुख और दुख और कर्म और धर्म की बातें करने से आत्मज्ञान कैसे हो जाएगा? वो तो एक व्यवहारिक सुधार होगा। तो कहते हैं जिन जिन जो जो लोग व्यवहार की गलती करते हैं वो थोड़े सुधर जाएंगे। देखो सुनो ध्यान दो, जो लोग सुधर जाएंगे, अच्छा कर्म धर्म करेंगे, तो भगवान उनको कहां भेजेंगे? स्वर्ग में। देवता कहां भेजेंगे? स्वर्ग में। भगवान कहां भेजेंगे? वैकुंठ में। और वैकुंठ में जाने के बाद जब आपका किया हुआ पुण्य खत्म हो जाएगा तो आप कहां आओगे वापस? मृत्यु लोग। तो चक्कर तो नहीं मिटा, अच्छा कर्म करो चाहे बुरा कर्म करो, दोनों के चक्कर नहीं मिटते। बुरा कर्म करने वाले का बुरा हाल हो जाता है, अच्छा कर्म करने वाला सुखी हो जाता है। अच्छा ठीक है, सुखी होता है पर स्थाई सुख नहीं मिलता। देखो कोई चीन जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई भारत को छोड़कर बार बार लोग जा रहे हैं। तो जा रहे हैं तो उनका वीजा 10 दिन का 15 दिन का है, ऐसा थोड़ी नहीं कि वहां की नागरिकता उनको मिल जाएगी। स्थाई नहीं, स्थाई नहीं। तो ठीक इसी प्रकार से देवताओं की भक्ति करने वाले देवलोक जाएंगे, जो देवलोक में सुख है उसको भुगतने के बाद में जितने दिन वीजा में लिखा हुआ है उतने दिन देवलोक का सुख भोग कर देवलोक का वीजा खत्म हो जाएगा, तो फिर मृत्यु लोक में आ जाएंगे। आएंगे कि नहीं? बैंक बैलेंस खत्म होगा तो फिर मजदूरी करनी पड़ेगी, कमाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा?
और तो आप कर्म धर्म कर रहे हो, आपकी बैंक भर रही है, आप पुण्य कर रहे हो, आपकी बैंक भर रही है। जब आपका पुण्य खत्म होगा तो पुण्य क्षीण मृत्यु लोकावसंती, जब पुण्य क्षीण होगा तो फिर मृत्यु लोक में आओगे, फिर अच्छा संग मिलेगा, फिर भक्ति करोगे, फिर स्वर्ग में जाओगे, फिर वापस आओगे, फिर अच्छा संग नहीं किया, दारू मांस मदिरा सेवन किया, दूसरों को मारपीट की, तो आप जो है भूत प्रेत की जुड़ी भोग करके फिर दुख पाओगे। तो आवागमन तो नहीं मिट सकता नहीं, तो आवागमन जिस ज्ञान से मिटता है, जो नई लखने में आने वाला अलख को लखना है, तो फिर आपको सतगुरु का ज्ञान लेकर के आगे भक्ति करनी होगी। ज्ञानवंत तुम धर्मनी आगर, सत्सुकृत गौ परम उजागर, करो विचार संत की रीति, मन वच कर्म सदगुरु प्रतीति। तुम संत संत की ऊंचाई से विचार करो और सतगुरु शब्द में प्रतीति विश्वास करो। इन तो शास्त्र ज्ञान विचारा, भगवान ने नवे अध्याय में बैठते कहा कि आज तुम्हें शास्त्र अनुकूल कर्म करना चाहिए और शास्त्र अनुकूल ज्ञान लेना चाहिए। तो साहब कहते हैं इन्हें तो शास्त्र ज्ञान विचारा और कर्म फंद जीवन सब दारा। अब शास्त्र ऐसे ऐसे बना दिए तो जीव का फंद नहीं छूटे तो शास्त्रों से क्या लाभ, विद्वान होने से क्या लाभ, कि जब जरूरत ही नहीं है वहां पर क्रोध करता है। तो साहब ने क्या कहा, तब लग मूर्ख पंडिता दोनों एक समान हैं, काम क्रोध मद लोभ की जब लग गट में खान। कबीर साहब क्या कहते, काम क्रोध और लोभ इसकी आपके अंदर खान है तो अच्छे विद्वान बनने से आपको थोड़ी मुक्ति होगी। मूर्ख पंडित दोनों एक समान, मूर्ख और पंडित दोनों एक समान कब हो जाते हैं, जब पढ़ लिख करके भी लड़ते हैं, पढ़ लिख करके भी जब लड़ते हैं, लोभ करते हैं, क्रोध करते हैं और मद अपने आप को बड़ा समझते हैं, दूसरों को छोटा समझते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं कि इस तरह करने से भाई मुझे तो नहीं लगता कि आप कोई पढ़ाई को काम में ले रहे हो, विद्वान गिरी को आप काम में ले रहे हो, इसलिए शास्त्र अनुकूल चलना चाहिए। परंतु शास्त्र भी तो काल ने बनाए और सुख दुख तक ही भरमा रहे हैं, तो जीव बाहर कैसे निकलेगा। अरे शास्त्रों से बाहर निकलना पड़ेगा, शास्त्र तो अक्षर से बनता है और नी अक्षर नाम पकड़कर जीव को अमर लोक जाना है। बोलो सतगुरु देव की। कोई भी शास्त्र में अक्षर से लिखा है, ये किताबें इनमें अक्षर लिखा हुआ है तभी मैं पढ़ रहा हूं है ना। एक आदमी था, एक स्कूल थी, एक स्कूल में पढ़ाते तो मास्टर क्या कहते, मेरी स्कूल में कोई आवे तो गदा का मिनक बन जावे मास्टर जी कहते थे। तो पास में एक चराने वाला भैंस गाय चराता था, उसने कहा कि वैसे ही अपना डंडा बहुत है, एक बैल को आज मार्शा के पास बांध दो और सुबह तक मिनक बना दे तो अपना काम बन जाएगा। आई समझ में। तो वो क्या किया कि रेसिस की छुट्टी होती नहीं, उस रेसिस की छुट्टी में एक स्कूल में आए, सारे बच्चे देखने लगे कि भाई यहाँ क्यों ला रहे हो बैल, या कोई के खेत खड़ना है क्या। तो वो कहे कि लो मार्शा मास्टर जी, राड़ी हो गई नी राड़ी, कि ये जेलो आप और इसको आप अपने पास पढ़ाओ और कल तक इसको मिनक बना के भेज देना। मार्शा बोले हम इसको कैसे मिनक बनाऊ, मैं किस तरह मिनक बनाऊ है, ये तो पशु है। तो
बोले ठीक है मार साहब, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पर आप ऐसा करो कि इस बैल को आप चलाओ, अपने बस में करो। मार साहब के भी मारू बस में नहीं रहे, छोरा टाबर वह तो कर दू। तो वो किसान कही कहे के इन बैल ने रोकनो रह नहीं है, जने यू बुचकारी देने। मार सके मने तो आवे को धारी बुचकारी धारी चिचकारी धारी धारी का नहीं राख। आई समझे? तो वो जो बैल जावतो तो वो खड़ो खड़ो बुचकारी दी बोलियो, बैल उठे उबो रे। जब मारसा ने कियो के मैं तो की अक्सर ही नहीं बोलियो, मैं तो खाली सहन करी जटे वो डंड उबो रेगो खड़ो रेगो। तो वह सहन कौन समझे? जो सहन तो समझे को नहीं है, किताबों पढ़े है सब कुछ पढ़े है, तो जो सतगुरु री सहन नहीं समझे तो पढ़िया लिखा ही गपिंदा खाई जाए। पढ़िया लिखा क्या वो ही समझनर बोरा, अंत बिलाई खाई समझनर बोरा। पढ़िया लिखिया हाल देखिया नहीं देखिया? अरे माँ बाप पाल पोष ने बड़ा करे, बड़ा करने खूब दुखी रहने, पैसा भर भर ने बारहवीं तेरहवीं चौदहवीं सोलहवीं पढ़ावे, बे लड़का लड़की है कहीं करे घंटा है, वे सीधा दिल्ली भागे है। लड़की भी भाग जा, लड़को भी भाग जा, इन पीछे तो अनपढ़ छोका है। तो कहना रो मतलब है आप पढ़ाई जड़ तक आत्मा में नहीं उतारे, और पढ़ाई रे मैंने व्यवहारिकता भी री जरूरत है, ज्ञान भी जरूरत है। खाली अक्षर पढ़ना हूं ज्ञान थोड़ी रे, जीवन में समझना पड़े। अपन जीवन कितो महंगो है, कितो जीवन महंगो है। और खाली एक दो बार होटल में ले जाने अपने कोई कहवे कि मैं थाने सुखी कर दू और फुसलावे मारे हाथ हलो, तो कहना अर्थ ओ है कि झूठा सुकरे कारणे हंसा गया बिगोई। यानी जो झूठो सुकरो लालच दे ने, अगर विने बच्ची ने पत भ्रष्ट करे, बच्चा ने पत भ्रष्ट करे, तो उनो जीवन हाल लारे पड़ियो, लंबो जीवन लारे पड़ियो। परंतु वो मन है, वो मन है जो बैठावा में आ जाता है। तो साहिब कहते हैं कि ये माया रूपी मिनकी, माया रूपी मिनकी तुमको खा गई, तो तुम्हारी पढ़ाई कौन से पूंछ में गई है? तुम्हारी गई कहां पढ़ाई? जो माया रूपी बिल्ली तुम्हें खा गई तो तुम्हारी पढ़ाई किस जगह गई? अरे तुम इतने बड़े हुए हो समझ नहीं पाए, समझ नहीं पाए कि किस तरह संसार में रहना है, क्या क्या फर्ज बनता है। माता पिता भाई और जितने परिवार हैं, जितना समाज है, जितना भी लोग हैं, उसके प्रति आपका क्या कर्तव्य बनता है, आप क्या करने के लिए आए, और कॉलेज में जाकर आप क्या बन गए, क्या बन गए? को यही ख्याल नहीं रहा कि जिस जमीन पर मैं चला हूं वो जमीन माता पिता ने तैयार की, आपको पढ़ाया लिखाया खूब धन माल लगाया किसने? अरे जिस लड़की के बहकाव में आते हो उसने क्या दिया आपको? या जिस लड़के के बहकावे में लड़की आती है तो वो लड़का उसको क्या दिया? उसको पहले उसके माता पिता ने बड़ा किया, मलमूत्र माता पिता ने धोया, और दुख माता पिता ने देखा, और ये भाव से देखा कि भाई हमारी संतान आगे जाकर के, आगे जाकर हमारे देश का नाम ऊंचा करे, आगे आगे जाकर खूब प्रमाण करे, आगे जाकर खूब अच्छा अपने पूर्वजों का अच्छा लगावे। ये भावना से माता पिता ने अपना कष्ट उठाकर पढ़ाया लिखाया। तो साहब कहते हैं कि ऐसा विचार क्यों नहीं करते बच्चे? ऐसा विचार इसलिए नहीं करते कि उनमें विकार पैदा हो जाता है।
उनके मन में विकार पैदा हो जाता है। विकार को निकालने के लिए कोई साधन नहीं बताया किताबों में। और मनोविकार, मन में विकार उत्पन्न होता है, तो पांचों इंद्रियों का विकार उत्पन्न होने से ऐसा प्रकृति माया जो जीव को आगे बढ़ने नहीं देती, और ये मन जीव को आगे बढ़ने देता नहीं। जैसी संग करे नर लोई, ऐसी बुद्धि शरीर की होई। कोई ऊंचा संग नहीं मिला, इसलिए अच्छा विचार उत्पन्न नहीं हुआ। और जिनको अच्छा संग मिला, माता पिता पढ़ाए, लड़का लड़की सब इज्जत से रहे, तो उनका परिवार और वो बड़े सुखी समृद्ध और आनंद से जीवन जिए। जीवन जीने का मकसद उनको मालूम पड़ा, आनंद मालूम पड़ा। तो इसी प्रकार से साहब कहते हैं कि करो विचार संत की रीति, मन वच करो सतगुरु प्रतीति। इन्हें तो शास्त्र ज्ञान विचारा, और कर्म फंद्र जीवन सब डारा। कोई भक्ति जो इनकी करी, रिधि सिद्धि सुख संपत्ति लई। और शास्त्रों में लिखा है ओमकार का जाप करो और इस तरह से रहो। तो ओमकार का जाप करने से, शास्त्र विधि से भक्ति करने से देवलोक की प्राप्ति जरूर हो जाएगी। बहुत भांति दे बढ़ाई राजपाट इंद्रासन लाई, और भी इंद्रलोक तक राज मिल सकता है। आवागमन मेटो जाई, जो भगवान कहे जैसे करो तो आपको इंद्र का राज भी मिल सकता है। परंतु जन्म ना मरना धर्मदास जी नहीं मिटने वाला। दाता भुक्ता होवे आपे, पे कौनी छूटा पापे। यानी आवे जाए सकल जग लोई, कबू ने छूटे बंधन सोई। बहुविधि चीनो मन चित लाई, आवागमन मेटो जाई। बंधन सदगुरु तुमरा तोड़ा, तुमको नहीं व्यापे यम चोरा। सदगुरु का है पंत अफारा, जो बूझे सो उतरे पारा। धर्मदास तुम बूझ देखो, वेद सदगुरु अगम है। तीन लोग अड़ जाए कारण वेद शास्त्र शो कहवे। बूझ देखो अंग सब में आयो तोरण खंद को, अरे हंसन को मुक्ताई हंसो मेटियो दुख द्वंद को। सदगुरु शब्द अफार लेवे, हंस शब्द आधार, ताही मुक्ति पाछे फिरे। इस प्रकार से सदगुरु ने धर्मदास जी को कहा कि तीन लोग में आवागमन नहीं मिटेगा, और आगे अमर लोक का ज्ञान लो। बोलो सतगुरुदेव की।